ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनोखी परंपराओं का चलन वर्षों चला आ रहा है। इस प्रकार की परंपराओं को अंधविश्वास कहे या आस्था, यह तो आज के समय के अनुसार समझ से परे है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस परंपरा को आस्था से जोड़कर देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं देवास जिले की हाटपिपला तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम गोला की, जहाँ पर 25 फीट की ऊंचाई पर एक लकड़ी का तिखेले लोहे के हुक में चमड़ी में छेद कर पड़ियार को लटकाकर घुमाया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा वर्षों चली आ रही है, जिसे गल महाराज कहते हैं। यह आयोजन होली पर्व के दिन ग्राम गोला में किया जाता है। सोमवार के दिन गल महाराज के रूप में पड़ियार कवड़िया से 2 किलोमीटर पैदल चलकर गोला पहुँचते हैं, जहाँ पर स्थित गल महाराज के स्थान पर 25 फीट ऊँचे खंभे पर बंधे एक आधे लक्कड़ में 2 तीखी लोहे के हुक में पीठ पर चमड़ी को बिंद कर लटकाया जाता है, जिस पश्चात 5 बार घुमाया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर जो भी लोग इस अवसर पर मन्नत मांगने आते हैं, उनकी मन्नतों को पूरी होती है। वह क्षेत्र की खुशहाली के लिए यह परंपरा वर्षों चली आ रही है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांव गोला पहुँचते हैं। बागली से रवि पाटिल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।